हेलो एंड वेलकम कोडर बाबा की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। टुडे आई विल टेल यू हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव रिज्यूम टॉप 10 रिज्यूम फॉर्मेट। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप ग्रेजुएट हो, आप बीकॉम कुछ भी आप कर रहे हो, एवरीथिंग, आप एमसीए, एमबीए, बीटेक, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप नए हो, अगर आप रिज्यूम बनाना चाहते हो तो हमारा ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इसे देखिए, आई विल श्योर कि आपको इससे जरूर फायदे होंगे। सो चलिए हम आपको बताते हैं टॉप 10 रिज्यूम कैसे होते हैं, ठीक है। सो चलिए हम आपको दिखाते हैं। पहला रिज्यूम जो है कि प्रोफेशनल रिज्यूम, हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल रिज्यूम। सो आइए हम देखते हैं प्रोफेशनल रिज्यूम कैसा होता है। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, हेडर पे योर नाम, फिर आप अपना एड्रेस, ईमेल, मोबाइल, जैसा कि जनरली होता है सिंपल ऐसा लिखिए। फिर नीचे आपको अपने करियर ऑब्जेक्टिव में देना है करियर ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद आपको अपनी स्किल्स देने हैं, जो जो आपको स्किल्स हैं, सपोज आप अगर इंजीनियर स्टूडेंट हैं या फिर आईटी से हैं तो आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप सीखे हैं, डेटाबेस, जावा, तो जो भी कुछ आप जानते हैं अपने स्किल्स में आप उसे लिखें। फिर क्वालिफिकेशन की बारी आती है, तो अपने क्वालिफिकेशन में आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन, पीजी, 10th, 12th, वो आप सब देख सकते हैं, परसेंटेज भी दे सकते हैं। और उसके बाद फिर एक्सपर्टाइज क्वालिटी, आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, अच्छी क्वालिटी, तो आप उसे भी मेजर कर सकते हैं, अपनी सीवी में, अपनी रिज्यूम में आप उसे शामिल कर सकते हैं। फिर अगर आपने प्रोजेक्ट पे काम किया है, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो आप उस प्रोजेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं, क्या प्रोजेक्ट है, किस पे वर्क करता था, ठीक है। जो भी आप मेजर या माइनर जो भी प्रोजेक्ट है आप उस सबके नाम दे सकते हैं, उस प्रोजेक्ट में आपकी आपका रोल क्या था वो भी बता सकते हैं। फिर आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स को भी बता सकते हैं। फिर आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अगर भाग लिया आप वो भी बता सकते हैं। फिर और साइड में आपके फिर आप अपना पर्सनल डिटेल दे सकते हैं, कोई डेट ऑफ बर्थ, फादर से नेशनलिटी, ठीक है, पेरेंट्स हैं कि नहीं, फिर लैंग्वेज जो आप जानते हैं, ठीक है। तो ये रहा एक तरह का प्रोफेशनल रिज्यूम। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, सो नंबर टू, रिज्यूम नंबर टू, इंजीनियरिंग रिज्यूम। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपको कैसे रिज्यूम बनाना है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसमें आप सबसे पहले टॉप पे अपना नाम लिखेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है, फिर अपना एड्रेस दे गया, फिर अपनी ईमेल आईडी, फिर अगर आपका मोबाइल नंबर है वो भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद अपने करियर ऑब्जेक्टिव भी लिख गया। करियर ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद फिर अपने पर्सनल डिटेल, जैसे कि अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो दे सकते हैं। फिर आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है तो आप वो भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप कुछ स्किल्स हैं, आपके टेक्निकल स्किल्स, नॉन टेक्निकल स्किल्स, जो भी स्किल्स हैं आप वो दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम किए तो वो भी दे सकते हैं, आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट पे आपने काम किया हुआ है, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी प्रोजेक्ट हैं आप दे सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज मस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपने किसी भी खेल कूद, कहीं कोई क्विज कंपटीशन, किसी रेस, डांसिंग, कोई भी तरह का शो हो, कॉलेज में कोई इवेंट हुआ, अगर उसमें आपने शामिल हुए हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ये आपके क्या कहते हैं कि क्वालिटी को, ठीक है, डिस्क्राइब करता है। अगर जाते हैं तो वहाँ पे एचआर काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा वहाँ पे। और फिर आपने पर्सनल डिटेल डाल सकते हैं। पर्सनल डिटेल में आप सिंपली होता है फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ होते हैं, एज जो होती है आप उसे मेंशन ना करेंगे तब भी चलेगा। और फिर नेशनलिटी, सेक्स हो गया, जेंडर हो गया। फिर जो पासपोर्ट है, इट इज नॉट, इज जस्ट फॉर्मेलिटी, आप इसे ना भी डालेंगे तब भी चलेगा। और फिर डिक्लेरेशन एंड लास्ट में एक आपका नाम और डेट। सो ये रहा इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। अब नंबर थ्री, अगर आप एमसीए करते हैं, एमसीए फ्रेशर हैं या एमसीए पास आउट हैं, अगर आप एमसीए के स्टूडेंट हैं तो आपकी जो रिज्यूम की क्वालिटी होगी वो कैसी होनी चाहिए, तो इस भाग में हम आपको बताएंगे। अगर आप एमसीए के स्टूडेंट हैं तो कैसे आपका रिज्यूम हो। ऐसा नहीं कि आपका रिज्यूम ऐसा ही हो, पर मे भी कुछ ऐसा बना सकते हैं। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आप ऐसा भी रिज्यूम बना सकते हैं। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव होगा,
थोड़ा सा ओपन इश्यू हो गया, पर कोई बात नहीं। एंड ऑब्जेक्टिव के बाद आपके टेक्निकल स्किल मस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप आईटी के स्टूडेंट हैं, तो आपको टेक्निकल स्किल जितना आप दे सकते हैं ताकि इंटरव्यूअर को थोड़ा सा इफेक्टिव लगे आपका रिज्यूम। फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कुछ और आपने कर रखा है तो वह भी आप मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन लिखिए, आई थिंक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले सबसे टॉप, यानी कि अगर आपने पीजी किया है तो पीजी दीजिए, फिर ग्रेजुएशन दीजिए, फिर ट्वेल्थ दीजिए, फिर टेंथ, इस तरह से घटते हुए क्रम में आप अपने क्वालिफिकेशन जो भी है आप उसे मेंशन कर सकते हैं। कॉलेज परसेंटेज अगर आप देते हैं तब भी ठीक है, नहीं देते हैं तब भी ठीक है, दोनों कंडीशन ही अच्छा है। और उसके बाद प्रोजेक्ट, अगर आप एमसीए के स्टूडेंट, तो प्रोजेक्ट मस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने कितने प्रोजेक्ट किए हैं, तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ठीक है, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या थे, आपका उसमें रोल क्या था, कितने दिनों में आपका प्रोजेक्ट खत्म हुआ, किस लैंग्वेज में था, एवरीथिंग ये आपको मेंशन करना होगा, आपका रोल जो भी था, ठीक। तो और उसके बाद अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट आपने कर रखा है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो जितने नंबर आपने प्रोजेक्ट किए वो आप मेंशन कर सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे चार प्रोजेक्ट, और फिर उसके बाद अपने पर्सनल डिटेल एंड देन डिक्लेरेशन सेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इस टाइप के जो रिज्यूम होते हैं वो एमसीए के स्टूडेंट बना सकते हैं। एंड द अनदर फोर्थ इज रिज्यूम फॉर एमबीए, अगर आप एमबीए के स्टूडेंट हो तो आप कैसे रिज्यूम बनाना है, या फिर एमबीए वाले स्टूडेंट कैसे अपने रिज्यूम रखते हैं या होनी चाहिए, या कैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है रिज्यूम की। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट आप अपना नाम लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और उसके बाद फिर कुछ आपके बारे में, यानी ऑब्जेक्टिव होती है वो, फिर प्रोफेशनल कुछ चीज़ें होती हैं, सिनॉप्सिस, एंड फिर कैरियर हाईलाइट जो भी होता है आपका, आपने क्या कर रखा है, ठीक है, ड्यूरेशन वगैरह, फिर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। और जैसे कि इन्वेंटरी कंट्रोल, आपने कुछ कर रखा है कि हाँ यस आई एम ए स्किल्ड, मैं इस फील्ड में काम कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ, फिर कस्टमर सर्विस में भी काम कर सकता हूँ, फिर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल है, आप क्या क्या हैंडल कर सकते हैं, आप किसी पर्सन जाते हैं तो क्या क्या नहीं कर सकते हैं, एंड फिर पर्सनल डिटेल आपको देना, फिर कंप्यूटर स्किल भी देनी है आपको, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसा काम मिल जाता है जो कि आपको करना पड़ जाता है कंप्यूटर को। सो जो की प्रोजेक्ट अंडरटेकन जो भी आप कर सकते हैं, तो पर्सनल डिटेल जो भी आपका है, स्ट्रेंथ जो भी है, नेम, एड्रेस, वट एवर जो पर्सनल डिटेल आपकी वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह का जो रिज्यूम होता है वो एमबीए वालों के लिए होता है। एंड द अनदर इज फिफ्थ रिज्यूम फॉर बीटेक, अगर आप बीटेक स्टूडेंट हो तो आपको कैसा रिज्यूम बनाना है, तो हम यहाँ पर बताएंगे। इसी आप देख रहे हैं वीडियो में, आपको पहले नाम लिखना है, मोबाइल नंबर टॉप पे होगा लेफ्ट हैंड साइड में, मोबाइल नंबर, ईमेल, उस पर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव पर एकेडमिक प्रोफाइल्स को आप जो भी कर रहे हैं, जैसा कि आप लियरशिप किया हुआ है कुछ इस तरह का, और कंप्यूटर एक्सपोजर सपोज आप क्या क्या फिर, अगर आप मतलब एक तरह के ये टाइटल है, सपोज आप टेक्निकल स्किल भी लिख सकते हैं, पर इस तरह का कुछ नया वर्ड नया लगेगा। फिर आपका जो स्ट्रेंथ, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, जैसे कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्किंग है, तो इस तरह का जो भी स्ट्रेंथ है आपका वो आप यू मेंशन कर सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट पे या फिर क्या क्या काम किया, जैसे प्रोजेक्ट पे क्या प्रोजेक्ट का नाम किया था, फिर किस ऑर्गेनाइजेशन में किया, और फिर उसके बाद आप एक्स्ट्रा करिकुलम को भी अपना मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका पर्सनल डिटेल रहेगा, और फिर डिक्लेरेशन सेक्शन। एंड द अनदर वीडियो इज रिज्यूम फॉर सीए, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं तो सीए के लिए कैसा होगा रिज्यूम, ये हम आपको बताएंगे सेक्शन में। सबसे पहले आपका नाम होगा टॉप पे राइट हैंड साइड में आपका एड्रेस हो जाएगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड आपका नाम होगा, नीचे डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो, ईमेल आईडी डाल सकते हो, ऑब्जेक्टिव आप दे सकते हैं, अपना स्ट्रेंथ आप यहाँ पे नीचे अपना स्ट्रेंथ मेंशन कर सकते हैं, फिर अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को भी मेंशन कर सकते हैं आप, फिर आर्टिकल एक्सपोजर, फिर वर्किंग एक्सपीरियंस, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, फिर अदर क्वालिफिकेशन, कुछ अच्छा क्वालिफिकेशन, फिर आप लैंग्वेज क्या क्या जानते हैं, फिर इंटरेस्ट या हॉबीज क्या क्या है आपके, एंड क्वेश्चन सो ऑन। फिर सेवन फॉर्मेटिंग ऑफ मेडिकल स्टूडेंट, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट तो आपको कैसा रिज्यूम बनाना है, और के लिए हम आपको पहले वो सबसे पहले टॉप पर आपको नाम लिखना है, फिर एड्रेस लिखना है, फिर ऑब्जेक्टिव पे आएंगे हम, ऑब्जेक्टिव के बाद फिर आपको समरी और क्वालिफिकेशन लिखना है, सपोज आप चाहे तो आप टेबल बना के मेंशन कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही लाइन बाय लाइन आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस अगर कहीं आपने किया हुआ है, सपोज मैं डेंटल में किसी डेंटल क्लिनिक का असिस्टेंट था,
इस तरह का इंट्री लेवल पेपर असिस्टेंट कुछ भी आपने कर सकता है। इम्प्लॉयमेंट इसलिए अगर आप खुद आपने कहीं नहीं अगर काम कर रखा है आपने तो आप उसे भी अपने वर्किंग एक्सपीरियंस का मेंशन कर सकते हैं कि आपको स्किल्स क्या क्या आवश्यक है। जो भी आपके स्किल्स अगर आप मेडिकल के हैं तो आपको पता होगा कि आपको क्या क्या स्किल्स हो सकते हैं, डायग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट पे केयर प्लानिंग, तो जो भी आपकी स्किल्स हुआ आप पेंसअप कर सकते हैं। फिर एजुकेशन भी चलते हैं, फिर एजुकेशन में आपको अपने कहाँ से सपोज ए बी सी कानपुर से हमने जो भी बैचलर डिग्री किया है वो मिल सकते हैं, फिर वो सारी और उसके बाद फिर रिफ्रेंस। एंड एट इज सी वी फॉर एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप अपना सी वी बनाना चाहते हैं नई जॉब क्लास में तो आपको कैसा बनाना है अपना सी वी यानी करिकुलम वीटा, तो राइट हैंड साइड में कुछ नया फॉर्मेटिंग चाहे लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, तो उस पर लुक पर डिपेंड करता है, आपके लुक के फॉर्मेट पर डिपेंड करता है। तो इट्स नॉट कि रिज्यूम ऐसा ही होता है सेम इसी तरह का, आप इसमें अपने हिसाब से कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट अगर आप ऐसा बना के ले जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके रिज्यूम को गलत ठहराया जाएगा। तो आपका नाम दीजिए, फिर करियर ऑब्जेक्टिव जो है आपका वो मेंशन कीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सपोज एम सी ए बी सी या स्कूल जो भी किया है वो करिए, फिर आपकी स्किल्स क्या क्या है वो आप स्किल्स एक मेंशन कीजिए, जो भी स्किल्स की डेविलेशन प्लेटफॉर्म को फ्रेमवर्क आपने कौन कौन सा अगर कोई फ्रेमवर्क आता है वो मेंशन कीजिए। और अगर एक्सपीरियंस हो तो आपने वर्किंग या अपने एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया, कितने दूर सकते हैं, किस पोजीशन पे, तो एवरीथिंग इज मेंशन डिटेली। एंड प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आपने कोई प्रोजेक्ट कर रखा है वो भी आप मेंशन कीजिए, फिर आपको स्ट्रेंथ क्या क्या है अपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को भी दीजिए, फिर एंड लास्ट में अपना पर्सनल डिटेल पर चलेंगे फिर वहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल को मेंशन करना है, फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन एंड शो ऑफ। तो ये होता है फॉर्मेटिंग फॉर एक्सपीरियंस करने के लिए। एंड द नाइन्थ इज रिज्यूम फॉर डी पी यू जॉब। सपोज आप ग्रेजुएट हैं, 10+2 है, आप डी पी ओ यानी कॉल सेंटर की जॉब के लिए अगर आप इधर उधर भटक रहे हैं रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आप इसे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल ये एक जनरल रिज्यूम होता है जिस तरह से कोई भी बना सकता है। तो अगर आपको कॉल सेंटर के लिए जाना है तो आपको जरूरी नहीं बहुत हाई फाई या फिर आपको बहुत कोर रिज्यूम बनाना है, इट्स सिंपल दैट सम बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि डिपेंड करें, सपोज आपका नाम हो गया, ईमेल आई डी, मोबाइल नंबर, फिर आप अपने अबाउट इन्फॉर्मेशन भी आप फिर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं अपना, फिर अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर जाइए आपने क्या करना रखना, फिर अदर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कुछ है टेक्निकल नॉलेज वो भी आप कैंसिल कर सकते हैं। एंड पर्सनल डिटेल पर फिर आइए, फिर एक्सपीरियंस अगर आपने कहीं कर रखा है वर्किंग फॉर एबीसी बीपीओ 6 मंथ 2 मंथ 1 ईयर जो भी आपने कर रखा है आप उसे मेंशन कीजिए। एंड फिफ्थ की कंप्लाइंस में एंड हैंडलिंग जो भी आपका स्किल्स है और फिर आपके एक रिगार्ड सिंपल पढ़ा सकते हैं ईजिली कहीं भी बिना किसी की हेल्प से, बस आपकी वीडियो देखते रहिए और आराम से आप वीडियो बना लेंगे। जो भी हेडिंग है इसमें जैसे कि मैं आपको अगर इनका रिकॉल करूँ जो भी ऐसे पर्सनल डिटेल एक्सपीरियंस ये आपको सब हर जगह मिलेगा, पर थोड़ा सा लिखने का तरीका सपोज आपसे कि आप चाहते हैं कि अबाउट माई सेल्फ में क्या लिखूँ तो आपको ये आपको हेडिंग को पता है पर मैं लिखूँ क्या, तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा सपोज अबाउट माई सेल्फ में क्या लिखूँ, आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन विद एन एबिलियस डिसिप्लिन एंड स्ट्रॉन्ग कल्चरल वैल्यू एंड स्ट्रॉन्गली बिलीव इन एक्यूरेसी। तो ये सब जो भी चीज़ें लिखी आपको मैटर मिल जाता है कि हाँ इस सेक्शन में हमें क्या लिखना है। सो चलते हैं हमारे अगले फॉर्मेट की तरफ। तो हमारा 10वां फॉर्मेट है रिज्यूम फॉर अदर मींस की कोई भी बना सकता है ठीक है सबके लिए। तो ये फॉर्मेट आप पर नाम लिख दीजिए, फिर उसके बाद अपना एड्रेस लिख दीजिए, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, फिर उसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव हेडिंग डालिए, उसके बाद आपको थोड़ा सा अगर आपको ये मेंशन करना है या फिर कुछ और मेंशन करना है वो कर सकते हैं, अपनी समरी में कुछ लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, आपके पास जो भी स्ट्रेंथ है आपकी स्ट्रेंथ वो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रेंथ दिखे गए हैं अगर आप इसमें भी लिखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये भी लिख सकते हैं। एंड फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर क्वेश्चन मतलब कुछ अलग तरीके से दिया गया, 2010 और 2011 में मैंने ये किया था, फिर 2004 और 2007 में मैंने ग्रेजुएशन किया था, ये तो इस तरह का दे सकते हैं। एकेडमिक प्रोजेक्ट आपने कुछ किया हुआ तो वो दे सकते हैं आप। फिर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी सपोज आप कहीं अगर वर्किंग एक्सपीरियंस है अगर आपको
एक्सपीरियंस कहीं काम किया आपने तो आप वहाँ का भी डाल सकते हैं, आप किस पोजीशन पे थे, सीधर कार्यक्रम के पोजिशन पे था, आपके रोल क्या क्या थे, आप क्या काम कर सकते, तो आप वो भी सब चालीस सारी चीज़ें मिल कर सकते हैं इसमें। और इसके बाद अगर आप जैसे कि कई जगह काम किया आपने, सपोज चार महीने कहीं पर किया, साल भर कहीं पर किया, तो इस तरह का आप लेक्चर कर सकते हैं, जहाँ जहाँ भी आपने काम किया वो चीज़ें आप लेक्चर कर सकते हैं किस किस पोजिशन पर, तो इस बड़ी हेल्पफुल है, हेल्पफुल। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो रिज्यूम है, आप सिर्फ ये देखिए जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब उसमें अपने एक्सपीरियंस को कम देंगे, अपने एक्सपीरियंस को आप मिल सकते हैं, तो जहाँ जहाँ पर काम किया, तो उसके अचीवमेंट अवार्ड सब आपने कहीं कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कहीं कुछ काम किया है, कुछ अचीवमेंट्स, कुछ अवार्ड आपको मिले हैं स्कूल से, कॉलेज के, ऑर्गेनाइजर की तरफ से, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। फिर अपने स्किल्स, स्किल को फोकस कीजिए, क्या क्या आपकी स्किल्स है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, कम्युनिकेशनल, जो भी कुछ स्किल्स हैं आप उनको मेंशन कर सकते हैं। एंड एडिशनल स्किल एंड एडिशनल जो भी है हॉबीज को भी मेंशन कर सकते हैं। एंड सो और लास्ट में आपको अपने पर्सनल डिटेल्स को भी थोड़ा सा मेंशन करना है, और उसके बाद डिक्लेरेशन एंड फिर प्रूवल, आपका रिज्यूम जो होगा वो कम्प्लीट हो जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको कुछ सजेशन है, कुछ सलाह है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल कोरल बाबा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।